पत्थर की मूरत बना शौर्य एक ही जगह पर खड़ा था। सब लोग जा चुके थे लेकिन मेघा शायद उसे अब भी दिख रही थी। वो कैंटीन के बाहर से तो जा चुकी थी लेकिन शौर्य के दिल का क्या? शौर्य उसे अब भी अपने दिल के किसी कोने में देख पा रहा था। मनु शौर्य को कैंटीन के अंदर ले गया। मनु ने कुछ कहा नहीं, वो जानता है कि अभी कुछ भी कहना फिजूल है, शौर्य अभी कुछ नहीं सुनेगा। और मनु सही था क्योंकि शौर्य के कानों में तो बस मेघा के कहे शब्द शोर मचा रहे थे। आज मैं तुमसे अपना हर रिश्ता खत्म करती हूं, आज से तुम मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी हो और मैं तुम्हारे लिए नहीं हो तुम मेरे लिए अजनबी, शौर्य ने चिल्लाते हुए कहा। ओए शौर्य सब ठीक होगा, अभी इतना लोड मत ले यार, मनु ने अपने दोस्त को संभालते हुए कहा। आंसुओं से भरी आंखों से शौर्य ने मनु की ओर देखा और उससे कहा, कैसे लोड ना लू मनु, पहले टेस्ट में रिजेक्ट हुआ, फिर पापा कहीं गायब हो गए और अब मेघा भी, मैंने क्या ही बुरा किया है यार जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। ओए सब ठीक हो जाएगा यार, मनु ने शौर्य को दिलासा देते हुए कहा। अब कुछ ठीक नहीं होगा मनु, कुछ ठीक नहीं होगा, मनु ने शौर्य के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तू ऐसे हिम्मत मत हार शौर्य, मैं हूं ना तेरे साथ, हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे तो कैसे कुछ ठीक नहीं होगा। तू देखना शौर्य, हम तेरे पापा को भी ढूंढ लेंगे और मेघा भी तेरे पास वापस लौट आएगी जब उसे पता चलेगा कि झगड़ा तूने नहीं कबीर के दोस्तों ने शुरू किया था, वो अपना ब्रेकअप का फैसला बदल देगी। शौर्य ने ना में सर हिलाते हुए कहा। वो अपना फैसला नहीं बदलेगी मनु, मैंने आज झगड़ा किया इसलिए वो मुझसे ब्रेकअप करके नहीं गई, वो मुझे छोड़कर गई क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, उसे लगता है कि मैं लाइफ में कुछ नहीं करूंगा तो मुझे देश के कानून के हिसाब से गुलाम गांव भेज दिया जाएगा, किसी अफसर का गुलाम बना दिया जाएगा। लेकिन वो ये नहीं समझती मन्नू कि मुझे गुलाम बनने का कोई शौक नहीं है, मैं बस अभी नहीं जानता कि मुझे क्या करना है, लेकिन जब मैं जान जाऊंगा तो लाइफ में कुछ करने का फैसला ले लूंगा, जैसे अभी फैसला लिया था अपने पिता को ढूंढने का और मेघा ने मुझसे ब्रेकअप किया क्योंकि उसके पिता ने उसे ऐसा करने को कहा था। अब जब तक मैं कुछ कर नहीं लेता मैं नहीं जाऊंगा मेघा के सामने। फिर शौर्य ने अपने आंसू पोंछे और आगे बोला, वो खुद गई है तो उसे अब खुद ही आना होगा, मैं ना उसके लिए रोने वाला हूं और ना ही उसके पीछे जाने वाला। ये की ना तूने एकदम पते की बात, चल अब चलते हैं यहां से, इससे पहले कि आज के झगड़े की खबर डीन तक पहुंच जाए, वैसे भी अपना टाइम खराब चल रहा है यार, मन्नू ने शौर्य से कहा। तू जा मन्नू, मैं नहीं आ रहा, शौर्य कुर्सी पर बैठे हुए ही बोला। और तू अकेला क्या करने वाला है, मन्नू ने पूछा। शौर्य ने आवाज को बुलंद करते हुए कहा, मैं लाइब्रेरी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाऊंगा, मुझे याद है कि मुझे क्या करना है, मुझे किसी भी कीमत पर कैप्टन वी को ढूंढना है। और तू अकेला ढूंढेगा उसे? देख शौर्य, मैं इस पूरे मिशन में तेरे साथ हूं, जहां भी जाना होगा साथ जाएंगे, जो करना होगा साथ करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आखिर तक तेरे साथ रहूंगा यार, मन्नू ने कहा। मन्नू के शब्द सुनकर शौर्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई, उसे बड़ा हौसला मिला। शौर्य ने मन्नू को गले लगा ली और दोनों दोस्त कैंटीन से निकलकर कॉलेज की लाइब्रेरी की तरफ चले गए, इस उम्मीद के साथ कि वहां कैप्टन वी को ढूंढने का कोई एक सुराग तो मिल ही जाएगा। लाइब्रेरी का बड़ा सा दरवाजा खोलकर मन्नू और शौर्य अंदर आए। रिसेप्शन पर बैठी बूढ़ी आंटी ने अपना चश्मा नीचे किया और दोनों को ठीक से देखा। वो शौर्य और मन्नू को देखते ही बोली, तुम दोनों कौन हो, पहले तो यहां कभी नहीं आए। तभी शौर्य दौड़कर रिसेप्शन के पास आया और बड़े प्यार से बूढ़ी आंटी से बोला, हेलो मैम, हमें हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाना है, ये बहुत ही जरूरी है, देखिए मेरे पिता मेजर विक्रम मेहरा पिछले एक महीने से गायब हैं, उन्हीं की तलाश में एक सुराग ढूंढने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तुम मेजर विक्रम मेहरा के बेटे हो? जी, आप जानती है मेरे पिता को, शौर्य ने पूछा। बूढ़ी आंटी ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे पिता इसी कॉलेज में पढ़ा करते थे तो अक्सर यहाँ लाइब्रेरी में आते थे और पूरा दिन पढ़ते रहते थे, तुम शायद अपने पिता जैसे नहीं हो, तभी तो आज तक यहाँ नहीं आए। खैर, मैं तुम्हारा नाम कंप्यूटर में ऐड कर रही हूँ, सीधे जाकर दाएं मुड़ जाना, उसके आगे तुम्हें हिस्ट्री डिपार्टमेंट का बोर्ड दिख जाएगा, और तुम्हारे पास सिर्फ एक घंटा है, उसके बाद ये लाइब्रेरी बंद हो जाएगी, समझ गए?
जी समझ गए मैम, मन्नू बोला। फिर मन्नू और शौर्य लाइब्रेरी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ चले गए। हिस्ट्री डिपार्टमेंट में अलग अलग साल के खाने बने हुए थे। तो कहां से शुरू करना है, मन्नू ने पूछा। कुछ सोचते हुए शौर्य ने कहा, दादाजी कैप्टन वी से तब मिले थे जब वे 21 साल के थे, तो इसका मतलब हमें ढूंढना है साल 2970 यानी कि 2970। शायद उस साल की जंग में जिसमें दादाजी लड़े थे, उसी के इतिहास में कैप्टन वी का कोई सुराग मिल जाए। शौर्य और मन्नू उस खाने को ढूंढने लगे जिस पर लिखा हो साल 2970। दूसरी तरफ घर पर अकेले बैठे दादाजी कैप्टन वी के दिए माया दर्पण में अपने अतीत की बस उसी एक याद को बार बार देखे जा रहे थे, जिसमें मेजर विक्रम मेहरा ने उनसे कहा था कि वो इस दुनिया से गायब हो जाना चाहता है। क्यों इस दुनिया से गायब हो जाना चाहता था तू? बस एक बार आकर मुझे बता दे, दादाजी खुद से बड़बड़ाते हुए बोले। उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा उन्हें सुन सकता है, लेकिन ये बस उनके मन का वहम था और कुछ नहीं। तभी दादाजी का फोन बजा। उन्होंने देखा कि उनके छोटे बेटे अजय मेहरा का फोन था। हेलो, कैसे हैं डैड? अजय मेहरा ने पूछा। जिसका बड़ा बेटा चला गया हो वो कैसा हो सकता है? भैया मिल जाएंगे डैड, आप फिक्र ना करें। मैंने अपने कुछ लोगों से बात की है, जल्दी ही कुछ ना कुछ खबर मिलेगी, अजय ने बताया। फिर उसने आगे पूछा, शौर्य कैसा है? मैंने सुना वो रिजेक्ट हो गया, अदिति ने बताया मुझे। हाँ, शौर्य रिजेक्ट हो गया, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। शायद पायलट बनना उसकी किस्मत में था ही नहीं। तो आगे क्या करने का सोचा है उसने, अजय ने पूछा। दादाजी बोले, अभी कुछ नहीं सोचा है उसने। अभी वो इस हालत में नहीं है कि अपने भविष्य को तय कर सके। अभी वो विक्रम को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो विक्रम भैया को कैसे ढूंढ पाएगा डैड? बलदेव मेहरा ने अपने छोटे बेटे को समझाया। मैंने उसे विक्रम को ढूंढने के लिए नहीं कहा, मैंने उसे किसी और को ढूंढने के लिए कहा है। अगर वो मिल गया तो विक्रम तक पहुंचने का रास्ता भी मिल जाएगा। अजय ने अपने पिता से सवाल किया, आपने उसे किसे ढूंढने के लिए भेजा है डैड? ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। तभी फोन के दूसरी तरफ खड़े हुए अजय ने सोचा, ये वही तो नहीं जिसने डैड को माया दर्पण दिया था? वो ये सवाल अभी अपने डैड से करता कि उससे पहले ही बलदेव मेहरा ने फोन काट दिया और दीवार पर लगी विक्रम मेहरा की तस्वीर को देखकर बोले, तुम तक पहुंचने का यही एक रास्ता है विक्रम। शौर्य को अब कैप्टन वी को ढूंढना ही होगा। उधर लाइब्रेरी में शौर्य को कुछ दिखा और उसकी आंखें चमकी। उसने मन्नू से कहा, देख मन्नू उधर क्या लिखा है। 2970। मन्नू ने सामने की तरफ लगी एक शेल्फ का नंबर पढ़ा। दोनों दौड़कर वहां पहुंचे, तभी दीवार पर लगे एक स्पीकर से आवाज आई, दौड़ने के लिए ये रेसिंग ट्रैक नहीं है, लाइब्रेरी है, धीरे चलो वरना बाहर निकाल दूंगी। यह आवाज बूढ़ी आंटी की थी। उनकी आवाज सुनते ही मन्नू और शौर्य के कदम धीरे हो गए। शेल्फ नंबर 2970 में बहुत सारी फाइलें थी। शेल्फ के दोनों साइड में सभी फाइलों के टाइटल लिखे हुए थे। मन्नू और शौर्य ने दोनों साइड के टाइटल्स पढ़ने शुरू किए, ये सोचे बिना कि उन्हें रुकना किस टाइटल पर है। उनके पास एक नाम के अलावा कोई क्लू नहीं था और वो नाम था कैप्टन वी। लाइब्रेरी के शेल्फ नंबर 2970 के अभी आधे टाइटल ही पढ़े गए थे कि तभी दीवार पर लगे एक स्पीकर से फिर आवाज आई, टाइम अप, 1 घंटा पूरा हुआ, बाहर निकलो आप, लाइब्रेरी बंद होनी है, अब कल आना, समझ गए। यह आवाज बूढ़ी आंटी की ही थी। शौर्य और मन्नू निराश होकर लाइब्रेरी से चले गए। घर की तरफ लौटने से पहले शौर्य ने मन्नू से कहा, मन्नू हम कल सुबह फिर आएंगे और पूरा दिन लाइब्रेरी में रहेंगे, फिर देखते हैं कि कोई क्लू कैसे नहीं मिलता। शौर्य जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि हॉल में दादाजी के साथ दो लोग बैठे हैं। दोनों ने ही टाई लगाई हुई थी, उनकी टाई पर एक निशान बना हुआ था। शौर्य ने वो निशान पहचान लिया। ये लोग नेशनल बैंक से आए हैं बेटा, तुमसे कुछ बात करनी है इन्हें, दादाजी ने शौर्य को देखते हुए कहा। तभी उन दोनों अफसरों में से एक बोला, मिस्टर शौर्य, आपके पिता मेजर विक्रम मेहरा हमारे बैंक के बहुत पुराने कंज्यूमर थे, उन्होंने बैंक से काफी लोन भी लिया हुआ था। जब तक वो यहाँ थे तब तक तो ठीक था, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है,
तो हमारे बैंक के रूल्स के अकॉर्डिंग उनका लोन ऑटोमेटिकली उनके बेटे यानी कि आपके नाम पर ट्रांसफर किया जा चुका है। तो जब तक आप लोन का अमाउंट पूरा नहीं चुका देते तब तक आपको अगले महीने की 10 तारीख से हर महीने लोन की किस्त भरनी होगी, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो हमें मजबूरन आपके इस घर को और आपकी बाकी सभी प्रॉपर्टीज को नीलाम करना पड़ेगा। मिस्टर शौर्य, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी मजबूरी समझ पा रहे होंगे। बैंक के अफसर की कही सारी बातें सुनने के बाद शौर्य ने पूरे यकीन से कहा, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, पापा ने कभी किसी लोन का जिक्र ही नहीं किया और हमारे पास तो सब कुछ है, फिर पापा लोन क्यों लेंगे। बैंक का दूसरा ऑफिसर मुस्कुराया और उसने अपने बैग में से एक छोटा सा गोल्ड डिवाइस निकाला। जैसे ही वो डिवाइस ऑन हुआ, शौर्य के सामने हवा में ही एक स्क्रीन ओपन हो गई। स्क्रीन पर लोन की डिटेल्स थी, साथ ही मेजर विक्रम मेहरा का एक फोटो और उनके सिग्नेचर भी थे। तभी शौर्य की नजर बैंक से लिए गए लोन के टोटल अमाउंट पर पड़ी और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लोन का टोटल अमाउंट था 300 मिलियन गोल्ड कॉइन्स। बैंक के ऑफिसर ने डिवाइस ऑफ कर दिया और फिर शौर्य से कहा, अगली मुलाकात अब अगले महीने की 10 तारीख को होगी। मिस्टर शौर्य, आपके पास पूरे 20 दिन हैं लोन की इंस्टॉलमेंट जमा करने के लिए, उम्मीद है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। इतना कहकर बैंक के दोनों ऑफिसर जाने लगे। तभी दादाजी ने पूछा, लोन की इंस्टॉलमेंट कितनी है ऑफिसर? बैंक के ऑफिसर ने जवाब दिया, 3 मिलियन गोल्ड कॉइन्स। इंस्टॉलमेंट की रकम सुनते ही शौर्य सोफे पर बैठ गया और खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, 3 मिलियन गोल्ड कॉइन्स, अगले 20 दिनों में कहां से लाऊंगा मैं इतने पैसे।